ईरानी हमले के बाद इसराइली सेना ने 99% मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाने पर पहुंचने से पहले ही गिरा देने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि सीरिया में इसराइल ने उसके वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, इसलिए उसने इसराइल पर जवाबी हमला किया है। लेकिन ये संघर्ष अब यहाँ से कौन सा मोड़ लेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान के हमले का इसराइल किस तरह जवाब देगा। दुनिया के ज्यादातर देशों ने फिलहाल संयम बरतने की अपील की है। इनमें अमेरिका भी शामिल है, जिसके ईरान के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। लेकिन इसराइल पहले ही साफ कर चुका है कि उसने इस हमले की कड़ी प्रतिक्रिया देने की कसम खाई है। बीते साल 7 अक्टूबर को दक्षिण इसराइल पर हुए हमास के हमले का इसराइल ने कड़ा जवाब दिया था और उसकी जवाबी कार्रवाई अभी तक जारी है। लेकिन अगर इसराइल जवाब देने की सोच रहा है तो उसके पास क्या विकल्प हैं? हो सकता है कि इसराइल अपने पड़ोसियों की बात सुने और रणनीतिक संयम बरतते हुए आगे बढ़े। वो हमले का जवाब देने की जगह ईरान समर्थित हथियार बंद गुटों जैसे लेबनान में हिजबुल्ला या सीरिया में उसके सप्लाई के ठिकानों पर हमले करना जारी रख सकता है, जो वो सालों से कर रहा था। ये भी हो सकता है कि इसराइल ईरान में उन ठिकानों को निशाना बनाए जहां से उस पर हमले हुए थे, या इसराइल ईरान के शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबंधित ठिकानों, ट्रेनिंग कैंपों और कमांड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाते हुए एक एक कर अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। हालांकि आखिरी दोनों विकल्पों में जोखिम बहुत है, क्योंकि ये विकल्प ईरान को बदला लेने के लिए उकसा सकते हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या इन सब में अमेरिका को भी घसीटा जाएगा? इससे क्षेत्र में ईरान और अमेरिकी सेना के बीच बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने का खतरा हो सकता है। अमेरिका के पास खाड़ी के सभी 6 अरब देशों के साथ साथ सीरिया, इराक और जॉर्डन में सैन्य ठिकाने हैं। ये भी ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का निशाना बन सकते हैं। अगर आने वाले वक्त में उस पर हमला होता है तो ईरान भी ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी धमकी वो लंबे समय से देता आ रहा है। वो माइंस, ड्रोन्स और तेजी से हमला करने वाले क्राफ्ट का इस्तेमाल कर रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश कर सकता है। इससे दुनिया भर में कुल तेल आपूर्ति के करीब 1/4 हिस्से के अटकने की आशंका है। ये एक बुरे सपने की तरह होगा जो अमेरिका और खाड़ी देशों को एक व्यापक युद्ध में घसीट सकता है। फिलहाल इस स्थिति से बचने के लिए कई देशों की सरकारें 24 घंटे सक्रिय हैं।